लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनना है। वो डेप्यूटी सीएम तो बन ही चुके हैं, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की चहेती दामाद चिरंजीव यादव को भी डेप्यूटी सीएम बनना है, और इसके लिए चिरंजीव यादव मैदान में तैनात हो चुके हैं। बता दें चले हम आपको कि चिरंजीव यादव हरियाणा के रेवाड़ी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वहाँ कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं। कांग्रेस ने रेवाड़ी से चिरंजीव यादव को टिकट दिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट अनिल डहिना को वहां से टिकट दिया गया है, और इन दोनों के बीच के मुकाबले में चिरंजीव यादव अब तेजस्वी यादव की एंट्री हरियाणा में करवा रहे हैं। चिरंजीव ने कहा कि तेजस्वी यादव हरियाणा आएंगे और यादवों को एकजुट करेंगे। तेजस्वी यादव चिरंजीव यादव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। चिरंजीव यादव ने यह भी कहा कि दक्षिण हरियाणा की जनता चाहती है कि मैं डेप्यूटी सीएम बनूं, लेकिन ये सब कुछ आला कमान को तय करना है। ये आला कमान तय करेगी कि मैं डेप्यूटी सीएम बनता हूं या नहीं। फिलहाल कैप्टन अजय के बेटे चिरंजीव यादव को टिकट मिल चुका है, वो चुनावी मैदान में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी बीच अपने भाषण के दौरान चिरंजीव यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा की जनता चाहती है कि मैं हरियाणा का डेप्यूटी सीएम बनूं, लेकिन ये सब कुछ आला कमान को तय करना है। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर हरियाणा में चिरंजीव ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि हमारे छोटे साले साहब तेजस्वी यादव भी हरियाणा आएंगे और हरियाणा की जनता से रूबरू होंगे, हरियाणा में भाषण देंगे और चिरंजीव यादव के लिए वोट की अपील भी करेंगे। एक मीडिया चैनल से चिरंजीव यादव ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे देश के बड़े नेता का सहयोग प्राप्त है, मुझे बड़े नेता से सलाह मिलती है। लालू प्रसाद यादव देश के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता हैं, मास लीडर है, और वो जब मुझे सलाह देते हैं तो मैं उनकी सलाह पर काम भी करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे छोटे साले साहब तेजस्वी यादव, जो ना केवल बिहार बल्कि देश की सियासत पर भी एक अच्छे मुकाम पर है, वो अब हरियाणा आएंगे और हरियाणा चुनाव में तेजस्वी के आने से हरियाणा चुनाव क्या मूड लेती है, चिरंजीव यादव के लिए ये कितना लाभदायक होगा, क्या तेजस्वी यादव चिरंजीव के लिए वोट की अपील करेंगे और क्या चिरंजीव को वो वोट मिलेगा भी, क्या तेजस्वी का हरियाणा में आना चिरंजीव के लिए एक बड़ा फ़ायदा होगा या फिर नहीं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।